हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने चैप्टर वन जो केमिस्ट्री का था हमारा, यहाँ पे हमने उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले क्लासेस में सॉल्व कर लिया है। तो इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूँ कि जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड थे वो, और जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं और बैक एक्सरसाइज अभी तक जितने हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक, उन सब के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में एडेड मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर के इजी तरीके से वहां देख सकते हैं और क्वेश्चंस के डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। यहाँ पर हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताना है एग्जाम्पल के साथ। इस टॉपिक को हमने क्लासेस में करा चुका है, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा और एंडोथर्मिक, दोनों समझ लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है, हीट के या लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें गेन होता है। रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, इसे याद कर सकते हैं, एक्सो मीन्स एग्जिट वर्ड याद आ रहा है ना, तो एग्जिट मीन्स बाहर निकलना। तो जो हीट है या लाइट है एनर्जी, वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। एंडो मीन्स एंटर करना, मीन्स इस वर्ड से याद रख सकते हैं कि एंडो एंटर एंड एक्सो एग्जिट। तो एक्सो एग्जिट मतलब बाहर निकलना एनर्जी का, और एंडो मतलब एंटर करना, मीन्स अंदर आना, प्रवेश लेना। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन में और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो चलिए डेफिनेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर है रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनते समय, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय एनर्जी का कुछ रिलीज होगा, तो वही हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, यहाँ पे डेल्टा जो फॉर्मेशन है ये हीट का सिंबल है। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हुए। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और जो रेस्पिरेशन होता है, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ये भी हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड है, रेस्पिरेशन वाले पे ही, तो हम उसे अभी नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हम किसे कहते हैं। चलिए अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं, उसके डेफिनेशन को अभी मैंने समझा दिया कि क्या होता है। यहाँ डेफिनेशन है, द रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जो भी रिएक्टेंट्स रिएक्शन होते समय जब फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट का, और उस समय उन्हें नीड होती है किसी एनर्जी की, चाहे वो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी हो, तो वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंटर कर रही है, अभी मैंने बताया ना, एंडो मीन्स एंटर से हम याद रख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, जब आइस क्यूब्स हैं और जब मेल्ट होंगी तो सराउंडिंग से क्या लेंगी, हीट गेन करेंगी, तो ही वो मेल्ट होंगी। यहाँ पर है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्ट, यहाँ भी हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। चलिए ये हम समझ चुके हैं अभी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। अभी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो, उसका एक एग्जाम्पल रेस्पिरेशन भी है। इसे हम इस क्वेश्चन में समझेंगे कि कैसे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है, इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। किस तरीके से, द CO2 इन द फूड ब्रेक्स डाउन टू क्रिएट ग्लूकोज ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान जो CO2 है हमारे फूड में, वो ब्रेक होता है और क्रिएट करता है हमें ग्लूकोज, देता है इस प्रोसेस में। ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन आवर सेल्स रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने डेली लाइफ को करते हैं। तो हमें क्या है यहाँ पे, सबसे इजी है कि रेस्पिरेशन
करते समय एनर्जी रिलीज होती है। कैसे? जो हमारे फूड होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसे ब्रेक करके यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म करता है, और ग्लूकोज क्या करते हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमें डेली लाइफ को काम करने को हेल्प करते हैं। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे, इनफैक्ट चल भी नहीं पाएंगे हम। तो हमें हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उसके लिए रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम यहाँ समझ चुके हैं इसे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, चलिए इसे देखते हैं। Why are decomposition reaction called the opposite of composition reactions? Write equations for these reactions. तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में पता करना है कि decomposition reaction जो है वो opposite क्यों होता है combination reaction का, और इसके examples भी हमें यहाँ देने हैं reactions के form में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे combination reaction होता है वो दो या दो से ज्यादा compound से मिलकर बना होता है। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा जो कंपोनेंट्स होते हैं वहां पे मिक्स होते हैं सब्सटेंसेस, और यहाँ पे नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन हो रहे हैं वहां पे। वेयर एज वन मटेरियल डिकम्पोजेस इंटू टू और मोर कॉम्पोनेंट्स इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि डिकम्पोज होते हैं, यहाँ पे वन मटेरियल डिकम्पोज होता है टू और मोर कॉम्पोनेंट्स में, इसे ही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर के यहाँ पे वाटर फॉर्म कर रहे हैं H2O, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि H2O जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर के डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन प्लस वाटर में विद इलेक्ट्रिसिटी मिलके यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है वाटर का। अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं तो हाइड्रोजन और वाटर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, मीन्स डिकम्पोज हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा वो है कॉम्बिनेशन का, और जो सेकेंड है वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। देखिए, एज ए रिजल्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिफर्ड टू एज द ऑपोजिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं और डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो रहे हैं, इसलिए ठीक ये ऑपोजिट है एंटोनिम्स की तरह। चलिए अभी हम यहाँ ये समझ चुके होंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, चलिए इसे देखते हैं। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमें एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं किस इक्वेशन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के इक्वेशन का। लेकिन फर्स्ट में हमें हीट का सप्लाई देना है, देन लाइट एंड देन इलेक्ट्रिसिटी। तो वन बाय वन चलिए हम करके देखते हैं। फर्स्ट जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं जिस रिएक्शन में, और वो एक रिएक्टेंट का फॉर्म होता है, एक कंपोनेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में जब ब्रेक हो जाता है यहाँ पर हीट मिलने की वजह से, तो वो रिएक्शन हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। चलिए देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ हमने हीट दिया और हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फॉर्म से। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड विच इज सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से हीट देने पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट रिएक्शन हमें लाइट से करानी है, तो जो भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल लेना है लेकिन लाइट के बेसिस पे। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो सिल्वर अलग हो जा रहा है एंड क्लोरीन जो है वो अलग फॉर्म में ब्रेक हो जा रहे हैं। सिल्वर एंड क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं सिल्वर क्लोराइड से जब सनलाइट उसमें प्रेजेंस में रहती है रिएक्शन होने के टाइम पे। तो रिएक्टेंट है हमारा सिल्वर क्लोराइड, और जैसे ही हमने सनलाइट दिया यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन ब्रेक डाउन हो गए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में है इसलिए इसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होता है। तो जो भी रिएक्शन हमारे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होते हैं
उसे हम, अगर वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिजल्ट व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड जो है हमारा, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अलग अलग एलिमेंट्स में। एग्जाम्पल के लिए हम वाटर ले लेते हैं। वाटर में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वाटर में किससे बना होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन अलग और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएंगे, तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे अलग अलग। तो वो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारे एग्जाम्पल है इस पार्ट का। ये हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको अभी तक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे की क्लासेस में मिलते हैं हम आपसे अगले क्वेश्चंस के साथ। आज की वीडियो हम ही स्टॉप करते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।